नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था कि कंपनी में जॉब करते समय किसी की डेथ हो जाए और डेथ होने के बाद क्या कंपनी का हक बनता है मुआवजा देने का, यूएई लेबर लॉ क्या बोलता है, अगर मुआवजा देने का हक बनता है कंपनी का तो कितना मिलना चाहिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% लोगों को अगर वहाँ पे दुर्घटना हो जाती है तो मुआवजा नहीं मिलता, क्योंकि पहली बात तो लोगों को पता नहीं होता, दूसरी बात बॉडी आते आते महीना दो महीना लग जाता है कि लोग भूल जाते हैं कि मुआवजा भी कोई चीज़ है, अगर मिलता भी है तो थोड़ा बहुत दे दा के कंपनी मैटर क्लोज कर लेती है। हम बात करेंगे भाई दुबई में अगर कोई आदमी मजदूरी कर रहा है उस दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो उसका मुआवजा कितना मिलना चाहिए, किन किन को मिलना चाहिए, इससे हम बात करेंगे। आगे पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो देखिए पहली बात तो हम बता दें भाई आपको पूरी डिटेल से कि मान लीजिए कि कोई मजदूर जो दुबई में जॉब कर रहा है उसकी सैलरी है 1500 दिरहम, ठीक है, और वो वहाँ पे काम करते करते ऑन ड्यूटी में कहीं पर भी, एक वीडियो मैंने डाला था 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा, लेकिन उसमें मैंने ये नहीं बताया मुआवजा कितना कैसे मिलता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। वो ऑन ड्यूटी चाहे वो कैसे भी है वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। मैंने एक बताया था कि भाई हमारे सीकर में एक वहाँ पे जो फ्रीज से पानी लेने गया था करंट से मौत हो गई थी, लेकिन उसमें कंपनी ने उसको कुछ दिया ही नहीं, बाकायदा न्यूज़ है ये। लेकिन यहाँ पे अगर डेथ हो जाती है तो आपको इस बात का नॉलेज होना ज़रूरी है, किसी की भी हो सकती है भाई, कोई पता नहीं लगता। उस दौरान अगर देखा जाए तो मुआवजा कितना मिलना चाहिए, किन किन को मिलना चाहिए, उस दौरान मैं बता दूं दुबई का जो लेबर लॉ 1980-192 की जो एक्ट है 19, मान लीजिए कि एक मजदूर आदमी वहाँ पे जॉब कर रहा था उसकी सैलरी 1500 दुबई दराम थी, ठीक है, यूएई दराम थी, और वो एक्सपायर हो गया वहाँ पे कंपनी में काम करते करते, यानी दुर्घटना जिसको बोल सकते हैं, एक्सीडेंट बोल सकते हैं, जिसका मुआवजा कंपनी को देना होता है उसमें। अब बात करें कि भाई कितना मिलना चाहिए, तो मिलने की बात यह है कि 18,000 से लेके 35,000 दराम तक, जी हाँ साथियों 18,000 दुबई दराम यही दराम से लेके 35,000 दुबई दराम तक मुआवजा मिलने, इसके बीच में मिल सकता है। अब कितना मिले, मान लीजिए 1500 दराम उसकी सैलरी थी तो 1500 दराम की कैलकुलेशन लगाई जाएगी भाई, इसको आज काम करते कंपनी में 1 साल 2 साल 5 साल हो गए, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, मान लीजिए कि एक आदमी काम कर रहा है उसकी सैलरी है 1500 दुबई दराम, वो 24 महीने में कितना पैसा कमाता, सोचने की बात है कि मान लीजिए कि एक महीने में 1500 दराम कमा रहा है तो 24 महीने में कितनी हो गई, 36,000 दराम बनती है, जी हाँ साथियों 36, मैंने बता दिया आपको 18,000 से लेके 35,000 दुबई दराम तक मुआवजा मिलने का हकदार है कंपनी को, उसको 2 साल की तनख्वाह 1500 दुबई दराम जितनी तनख्वाह है, मैंने एग्जांपल दिया है जैसे 1000 दराम है तो उसकी देख लीजिए 24 महीने की 24,000 दराम हो गई, अगर उसकी 1500 है तो भाई 36,000 दराम हो जाती, इस तरह से वो सैलरी उसके आश्रितों को देनी होती है। आश्रितों में कौन आ जाता है, उसके बच्चे, नाबालिग जैसे 18 साल से छोटे हैं, बच्चियां हैं उनकी जिनकी शादी नहीं हुई है उनको वो पैसा मिलना चाहिए, उनकी वाइफ है जो विधवा है उसको वो पैसा मिलना चाहिए, उनके माँ बाप हैं उनके हिस्से में वो पैसा डिवाइड होता है वो कंपनी की तरफ से, या वो कंपनी कैसे उसके खाते में ट्रांसफ़र करती है, उनको चेक देती है, इंटरनेशनल अकाउंट उनके अलग अलग अकाउंट में पैसा आता है वो कंपनी पर डिपेंड करेगा, बाकी ये मुआवजा मिलना चाहिए। जी हाँ भाई, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर कर दें, आप हर इंसान को नॉलेज होना चाहिए, यूएई में अगर आप जॉब कर रहे हैं आपका किसी का भी, आपके साथी पड़ोसी का किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो ये सैलरी माइंड में इतनी बिठा ले जितनी तनख्वाह है उसकी 24 महीने की तनख्वाह कंपनी को देनी होती है, उनके परिवार वालों में सब में वो डिवाइडेशन हो जाती है, सीधा सा फंडा है 1980 एक्ट जो दुबई लेबर लॉ में बना हुआ है। चाहे आप बता, कोई लोग बोलते हैं आप चाहे दुबई में हो, अबू धाबी में, शारजा, रासल खेमा, कहीं पर भी आप काम हो, यूएई का कानून सभी अदालतों में सेम है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, लेबर लॉ पूरी यूएई में एक जैसा, ये नहीं कि आप दुबई में जॉब कर रहे हैं तो अलग है, कई बार बोल देते हैं कि काम दुबई में कर रहे हैं आपकी कंपनी का कार्यालय अबू धाबी में है तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, इस बात को ध्यान रखें, मुआवजा आप भी लें और आप आपके पड़ोसी को भी दिलवाएं, क्योंकि मजदूर आदमी का इतना पैसा मिल जाता है तो सारा बहुत बड़ा मिल जाता है। तो साथियों बस जानकारी आपको दे दी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।